जिला अध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदमी मधु चौहान जी, प्रताप सिंह रावत जी, आदमी मूलाराम शर्मा जी, यशपाल नेगी जी, विवेक अग्रवाल जी, अमर सिंह चौहान जी, प्रवीण जी, अर्जुन सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर अमर सिंह राय जी, श्री नरेश चौहान जी, हमारे सांसद प्रत्याशी और उनके साथ प्रभारी के रूप में और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनोद सोयाल जी एवं मंच पर आती हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं ये सोच रहा था कि इतनी तेज धूप हो गई है और यहाँ गर्मी लग रही है तो आप तो खुद ही आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तेज चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ से हिला है। ऐसे मेरे सभी सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, इस पूरे जौनसा भावर के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, साथ में हमारे मीडिया के मेरे सभी मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस जनसभा में यहाँ आने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, मैं आप सबका और जो आपने रास्ते भर यहाँ पहुंचने तक मेरा स्वागत किया, आदमी माला लक्ष्मी राजी का स्वागत किया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाई बहनों, ये जो चक्राता, ये जौनसा की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है, एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है, लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहाँ लाखा मंडल के भगवान शिव और मासूम महाराज मासूम देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कहीं भी जाएंगे आप आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सब पहले से ही तय हो गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी प्रकार इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूं, 27 तारीख को